हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने किचन प्रत्यांश किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कड़कती धूप में, गर्मियों में खूब ज़्यादा जब गर्मी पड़ने लगती है तो एकदम ठंडी ठंडी सी लस्सी हम बनाएंगे, जिससे पी के पेट को ठंडक और मन को एकदम शांति मिल जाएगी। ऐसी लस्सी बनाएंगे और एकदम आसान तरीका बताएंगे जिससे आप 2 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं इस लस्सी को। तो आप बोलेंगे कि वीडियो 4 मिनट का है, 2 मिनट में कैसे बता के सिखाएगी। तो आप देखते जाइए वीडियो कि हमने इसे 2 मिनट में कैसे बनाया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दही ली है, देखिए घर की जमाई हुई ये दही है। दूध को आपको थोड़ा सा गाढ़ा करके जमाएंगे ना, तो इस तरीके से आपको एकदम सख्त गाढ़ा दही मिलके और तैयार होगा। देख सकते हैं कितना थिक हमारा दही बनके और रेडी हुआ है। तो क्या करेंगे कि जो इस पर मलाई जमी हुई है ना, उससे हम हटा लेंगे। इससे भी हमें यूज़ करना है तो इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। तो जितनी भी ऊपर से मलाई लगी हुई है वो सारा हम निकाल के एक अलग प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखिए सारी मलाई मैंने निकाल ली है। अब क्या करेंगे ना कि इसको फेंट लेंगे अच्छे से। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना जो लस्सी हम बना रहे हैं वो अपने अनुसार थोड़ा सा पतला थोड़ा सा गाढ़ा बना सकते हैं, लेकिन जो लस्सी है ना थोड़ी सी गाढ़ी रहती है तो पीने का आनंद ही कुछ और आता है। तो यहाँ पे मैंने एक फोक ली है, उससे मैंने इसको मिक्स करना स्टार्ट किया है। देखें कि जो लम्स है ना फोक से अच्छे से मिट जाते हैं। तो इसे अभी हम हटा देंगे। आप चाहें ना तो यहाँ पर जो स्ट्रेनर आता है बड़ा वाला, उसमें डाल के दही को छान लेंगे तो एकदम स्मूथ सा आपको टेक्स्चर मिल जाएगा। या फिर सूती कपड़े में डाल के छान लें, उसे भी एकदम स्मूथ हो जाती है दही। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। पानी ऐड करके मैंने यहाँ पे एक मथनी ली है, इससे हमने देखिए एकदम अच्छे से मतलब घोट लिया है इसको, घोटनी भी इसको बोला जाता है। तो देखिए बिल्कुल स्मूथ हमारा जो दही है वो बनके तैयार हुआ है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा सा गाढ़ा ही लस्सी बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको फेंट लिया है, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है। तो मीठे के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही मैंने यहाँ पे चीनी लिया है। मीठा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुलाब जल लिया है और साथ में यहाँ पे मैंने ऐड किया है कुटी हुई, मैंने 3 से 4 इलायची ली थी कुटी हुई, उसे डाल दिया है। और थोड़ा सा हम केसर डाल देंगे, एकदम केसर वाली लस्सी पियेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इसे पीने में। तो अगर केसर आपके पास नहीं है ना तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसके बिना भी ये लस्सी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और गुलाब जल नहीं है तो उससे भी आप स्किप कर सकते हैं। इलायची पाउडर सिर्फ डाल के इस लस्सी को बना के और रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो चीनी ली है तो इसे थोड़ा बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट पे रख दिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो आप क्या करें कि पीसी हुई चीनी का यूज़ करें यहाँ पे। और जो दही है बिल्कुल हमारी ठंडी है, और मैंने पानी जो लिया था वो भी एकदम ठंडा लिया था। और यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे तो मैंने देखिए फिर से एक बार मिक्स कर लिया, और जो चीनी है अच्छे से घुल मिल गई है दही के साथ। देख सकते हैं इसका टेक्स्चर देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एकदम बारीक कटा हुआ बादाम का कतरन ऐड किया है, थोड़े से काजू ऐड कर दिए हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल, आप चाहें तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ हम डालते हैं तो वो अच्छा लगने के लिए ही डालते हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो डालें। और देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया, अब इसे हम सर्व करते हैं। तो यहाँ मैंने कूलर ले लिया है, इसी में हम डाल लेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ऐसी ही रखनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये लस्सी। तो यहाँ पर देखिए एक कूलर को मैंने ना अच्छे से भर लिया है, दूसरे कूलर में हम डाल देंगे। और चाहे तो आप ऐसे सिंपल भी पी सकते हैं, बहुत बच्चों या बड़ों को भी जो ड्राई फ्रूट्स है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो उसे आप स्किप करके ना ऐसे मलाई जो है उस इसके ऊपर डाल के और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स मतलब गार्निशिंग करने की आपकी आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम मलाई डालेंगे ना ऊपर से तो बिल्कुल बाज़ार वाला लुक आ जाता है, देखने में भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और पीने में तो मतलब बता ही नहीं सकते कितना टेस्टी था ये। और देखिए ये मैंने थोड़े से बादाम थोड़े से पिस्ता डाल दिए हैं गार्निशिंग के लिए, और जो मलाई हमने बचा के रखी थी उसे भी डाल दिया है। अब आप पूछेंगे कि 2 मिनट में वीडियो कैसे बनेगी, तो फ्रेंड्स वीडियो बनाने में हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और आपको बनाने में मतलब आपको वीडियो नहीं बनाना है तो आप इसे 2 से 3 मिनट में फटाफट बना के और रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास पिसी हुई चीनी रखी है तो 2 मिनट में बना के इस लस्सी को इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरी लस्सी की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।